रुद्रपुर में सीपीओ की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कथित पत्रकार को कार सहित कार के फर्जी कागजातों के साथ भदईपुरा के पास से पकड़ा है। कार के दस्तावेज फर्जी होने के चलते सीपीओ की टीम ने आरोपी को कार सहित कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई और उससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार भदईपुरा के पास सीपीओ की टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी बीच किच्छा की तरफ से आ रही एक ऑल्टो कार चला रहा युवक बिना सीट बेल्ट लगाए फोन पर बात करते हुए कार चला रहा था, जिस पर सीपीओ द्वारा उसे रोका गया। तो कार चालक ने अपना नाम शाहनूर बताते हुए कार से उतरते ही अपने आप को पत्रकार बताते हुए रौब दिखाने लगा और कार को रोकने का विरोध करने लगा, जिस पर सीपीओ दरोगा को शक होने पर कार के कागजात की चेकिंग की तो वो फर्जी निकले। उस पर कार छाट कर नंबरों में हेराफेरी की गई थी, जिस पर सीपीओ कथित पत्रकार शाहनूर को कोतवाली ले आई, वहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस कार के प्रपत्रों की जांच कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। अभी सीपीओ वाले एक कार को लाए हैं, उस कार का वो बता रहे हैं प्रथम दृष्टया जब उन्होंने उसकी जांच की होगी तो जो उस पर आरसी है उसका नंबर उसके मेल मेन जो बॉडीज की जैसे नंबर इंजन है उससे मेल नहीं खा रहा है। इस संबंध में जांच करके जो भी तथ्य बनेंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी भी गिरफ्तार किया था? आरोपी तो अभी हम ये नहीं कह सकते, एक व्यक्ति जो कार चला रहा था उसे लाए हैं थाने।